हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके ही कुछ सवालों के जवाब देने वाला हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि कोई भी आपका पुराना केसेस हैं उसको आप मेंशन करके उसका सुनवाई करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक कमेंट मुझे मिला था, अभिषेक उपाध्याय ने मुझे कमेंट किया है कि ये कहते हैं कि मेरा केस 57/2014 है, DB में है, यानी कि डबल बेंच में है। इनका केस जो है 57/2014, यानी कि इनका केस बहुत पुराना है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि IA फाइल 28 मई को किए थे, मेंशन किए थे 21 जून को एंड एक्सेप्टेड, और यहाँ पे इनको एक्सेप्ट होके ये इन्फॉर्मेशन मिलती है टू बी लिस्टेड फॉर IA सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटाइज रिकॉर्ड। कहने का मतलब कि यहाँ पे IA इनका एक्सेप्ट कर लिया गया है, और कहा जाता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटाइज रिकॉर्ड। कहने का मतलब अगर इनका केस का डिजिटलाइजेशन, यानी कि कहने का मतलब अगर ये अपने पुराने केसेस को फिर से पूरे फाइल को स्कैन करके अगर ये अपलोड करते हैं, मेल करते हैं, तो इनके केस की सुनवाई होगी। तो चलिए जानते हैं कि ये कैसे किया जाता है। देखिए, कोई भी पुराना केस है जब आप उसको मेंशन करते हैं, ठीक है, मेंशन करने के बाद जो है आपको उसका इन्फॉर्मेशन जो होता है, अगर आप कोई भी केस मेंशन किए हैं तो आप यहाँ पे आकर के जैसे ही आप मेंशनिंग मैटर पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाएगा कि आपका जो मेंशनिंग स्लिप है वो एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं। एक्सेप्ट मतलब आपको स्वीकार किया गया है कि नहीं आपके केस की सुनवाई के लिए, ठीक है। तो मेंशनिंग आए दिन पुराने केसेस में मेंशनिंग किया जाता है, क्योंकि अभी जो फ़िलहाल है सिर्फ वही फ़ाइल की सुनवाई हो रही है जो डिजिटली फाइल हुए हैं। जो डिजिटली फाइल नहीं हुए हैं उनको मेंशन करना होता है कि उनके केस की सुनवाई की जाए। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, एक पिटिशनर है, ये अपना फाइल क्रिमिनल अपील है, ये भी DB में फाइल किए थे, ये इनका केस नंबर 154/2019 है, ठीक है। IA फाइल किए हैं, चौथा IA है 2021 का। तो ये कहते हैं टू बी कस्टडी फॉर मोर देन 2 ईयर्स IA हैज़ बिन फाइल्ड फॉर बेल, IA इन्होंने बेल के लिए फाइल किया है, ठीक है। तो इनका भी एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि टू बी लिस्टेड फॉर IA सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटाइज रिकॉर्ड। कहने का मतलब इनको क्या करना होगा, इनका जो भी पुराना पिटीशन था वो फिर से स्कैन करेंगे और IA को भी स्कैन करेंगे, सारे फाइल को स्कैन करके, और ये जिस पेज में इनका इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है किस दिन अप्रूव हुआ है, इस पेज की एक कॉपी, ठीक है, इसको वो प्रिंट निकाल करके इसका आप एक कॉपी ले लें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी इनका एक दूसरे केस में भी यहाँ पे लिखा है, तो ये इस पेज का ये क्या करेंगे, स्कैन कर लेंगे अलग से, और इसको भी ये मेंशन करके लगाएंगे कि हाँ ये जो है 17, जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो ये जो था मैंने जो निकाला है ये है 17 जुलाई का है, यानी कि 17 जुलाई को मेंशन एक्सेप्ट हुआ है। तो ये इस बात को वहाँ पे चर्चा करेंगे कि 17 जुलाई को मेरा मेंशन अप्रूव हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या करना होगा, सबसे पहले जो भी पुराना पिटीशन था, जैसे कि 2014 का है ये केस जो है, ये भी DB में फाइल है, IA 2 दूसरा दिया हुआ है, तो ये पुराने केसेस के सारे फाइल को स्कैन करेंगे और IA को भी स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद इनके जो एडवोकेट होंगे वो अपने मेल ID से इनको मेल करना होगा। मेल कहाँ पे करेंगे, तो मेल करने के लिए ई फाइलिंग का एक पोर्टल है, ठीक है, आप वहाँ पे पोर्टल पे मेल करेंगे, ठीक है। आपको अगर मेल करना है तो आप जो है मेल ID जो ई मेंशनिंग है आप इस पे भी मेल कर सकते हैं। इसके अलावा मेलिंग फाइलिंग करने के लिए एक efiling.psc करके एक और ID है, आप मेल ID उसका भी इस्तेमाल करके आप अपने पिटीशन को PDF में ज़रूर मेल कर दें, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपका केस जो है डिजिटलाइज होकर फाइलिंग हो जाएगा, आपको फिर से एक डिजिटलाइज होकर के एक आपका जो फ्रेश केस जो जैसे चढ़ता है वैसे आपके केस में डेट पढ़ के आपका केस सुनवाई होगा। तो इसमें क्या होता है कि देरी नहीं होगी आपको, अगर आपका पुराना केसेस हैं तो वो तुरंत सुनवाई हो जाएगा, क्योंकि आपका केस ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, वो एक्सेप्ट हो गया है, वो सिर्फ डिजिटलाइजेशन यानी कि कहने का मतलब जैसे आप PDF फाइल करते हैं स्कैन कॉपी, तो उससे 1-2 दिन बाद जो है आपको डेट मिल जाएगा और आपके केस की सुनवाई जल्दी हो जाएगी। जिन किसी का भी ऐसा अगर इन्फॉर्मेशन मिला है कि टू बी लिस्टेड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटाइज रिकॉर्ड, इसका मतलब होता है कि लिस्ट पे तभी चढ़ेगा जब तक ये डिजिटल होकर क्यों आज ना जाए, ठीक है। तो आप डिजिटलाइज फॉर्मेट में ज़रूर जमा करें, क्योंकि देखिए ये भी क्रिमिनल अपील है, ये 2019 का केस है, तो अभी तो ये फिजिकल फाइल किए होंगे इसलिए इनका केस नहीं चढ़ रहा है। तो आपको क्या करना है, PDF में स्कैन करके दोबारा से उसको ई फाइलिंग के पोर्टल पे, आप या तो ई फाइलिंग के पोर्टल से फाइल कर दें या फिर आप जो है मेल पे डायरेक्ट PDF भेज सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको
आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी तरह का कोई आपको अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर लिखें, मैं कोशिश करूँगा आपके सारे सवालों के जवाब देने का। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।